हेलो एंड वेलकम टू न्यूज। मैं हूं निमिषा। जहां 15 अगस्त को पूरा दुनिया, पूरा देश इनफैक्ट अपने इंडिपेंडेंस का जश्न मना रहा था, वहीं शाम को एक ट्वीट आता है, शाम को एक छोटा सा पोस्ट आता है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से कि वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। सो आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, हाउ ही बिकेम अ गेम चेंजर इन द क्रिकेट इंडस्ट्री। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज हसनैन। हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया निमिषा आपका। जी, तो हसनैन, हम शुरू करते हैं कहाँ वो टिकट कलेक्टर थे एंड कहाँ वो गेम चेंजर बन गए यहाँ पे, यू नो, गेम चेंजर, एक क्रिकेट इंडस्ट्री के गेम चेंजर बन गए। तो उनकी जर्नी से शुरू करते हैं, कहाँ से वो शुरू हुए थे एंड कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। देखिए, अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो आप सभी जानते हैं और लगभग हम सभी नहीं, पूरी दुनिया जानते हैं कि धोनी किस तरह के खिलाड़ी रहे हैं। और उनका जो कैरियर है वो बहुत छोटे शहर से, खासकर उस समय जब उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, तो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि झारखंड के उस छोटे से राज्य से आकर कोई इतना बड़ा नाम करेगा। और इसके अलावा कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। अगर आप देखें पूरे बिहार और झारखंड के जो क्षेत्र के या शहर के, कहा जा सकता है कि उन राज्यों के किसी शहर से बहुत कम खिलाड़ी आते थे। आप एक दो नाम थे पुराने, वहां पर मैच भी आपने बहुत कम देखा होगा कि पहले होते भी नहीं थे। अब जाकर रांची में स्टेडियम है और पटना में पहले स्टेडियम था जहां पर मैच भी हुआ था एक बार, लेकिन अब नहीं होते। तो इन शहरों से अगर आप देखें तो यहां से बहुत कम खिलाड़ी इस तरह के बनकर उभर कर सामने आए थे। और धोनी अचानक से आए क्रिकेट में। अगर इनके शुरुआती करियर की बात करें तो पहले फुटबॉलर बनना चाहते थे, फिर विकेट कीपर बन गए और विकेट कीपर बन के एक तरीके से देश के लिए अच्छा ही उन्होंने किया और क्रिकेट में आकर भी अच्छा किया। हालांकि फुटबॉल में भी बहुत कमी है धोनी जैसे खिलाड़ियों की, लेकिन उसके बावजूद अगर क्रिकेट में आए धोनी आए तो उन्होंने बहुत कुछ दिया भारत को। अगर आप देखें पूरे उनके कैरियर को, और उसके बाद रांची से निकलकर फिर टिकट कलेक्टर बने, उसके बाद वहां उनका मन नहीं लगा। उसके बाद आपने अगर एमएस धोनी मूवी देखी होगी तो उसमें उनके पूरे कैरियर को लेकर बातचीत है और पूरा दिखाया गया कि किस तरह धोनी अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़े थे निमिषा। और उसके बाद अगर हम बात करें उनकी कैरियर को लेकर, तो उनका जो सबसे जो मेन जब हाईलाइट में आए थे धोनी, तो अंडर 19 और उसके अलावा जो घरेलू क्रिकेट होता है वहां पर उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, सभी चयनकर्ताओं जो उस समय के चयनकर्ता थे, चाहे वो घरेलू क्रिकेट के रहे हों या भारत के रहे हों, उनका ध्यान उन्होंने जरूर खींचा। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2004 में वो सबसे टॉप लेवल पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे भारत के लिए, जो अंडर 19 है या जो जूनियर टीम भारत की थी उसके लिए बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, बहुत तूफानी पारी खेल रहे थे। और वहां से उस समय चूंकि अगर आप देखें पूरे क्रिकेट को, तो राहुल द्रविड़ विकेट कीपिंग भी कर रहे थे और क्रिकेट भी खेल रहे थे। एक विकेट कीपर की ऑलरेडी तलाश भारत को थी कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज हमें मिले, जिसकी बहुत दिनों से योजना बनाई जा रही थी, बहुत दिनों से खोजा जा रहा था कि कौन सा क्रिकेटर होगा। पार्थिव पटेल को ट्राई किया गया था, दिनेश कार्तिक को ट्राई किया गया था, उसके उसके बीच में भी कई खिलाड़ियों को ट्राई किया गया था, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ और अंत में हार दार कर फिर से राहुल द्रविड़ को ही कीपिंग करनी पड़ती थी और उन पर बैटिंग का भी बोझ होता था। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज, और उस समय जो भारत को विकेट कीपर बल्लेबाज मिलते थे वो ये माना जाता था कि 5 या 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, ठीक ठाक बल्लेबाजी 20-25 रन भी अगर बना दें तो टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। धोनी भी आए तो लगा कि धोनी के साथ भी वही होने वाला है। उन्होंने टीम में आने से पहले, भारतीय टीम में आने से पहले कई शतक लगाए जो बहुत तूफानी शतक थे और उनका ध्यान पूरी तरह से खींचा चयनकर्ताओं का। अचानक से बांग्लादेश का जो सीरीज थी उसमें उनको शामिल किया गया और देखिए उनकी किस्मत देखिए कि पहला मैच खेल रहे थे और पहले ही मैच में बिना कोई रन बनाए पहले ही गेंद पर रन आउट हो गए। और उसके बाद अगले मैच में उन्होंने 12 रनों की पारी खेली, उसके बाद 7 रन बनाए जो नॉट आउट था। जो तीसरा मैच और अंतिम मैच था बांग्लादेश के खिलाफ उसमें वो नॉट आउट रहे थे। और ये मैच हम अपनी बात बता रहे हैं निमिषा, उस समय हमारे गांव में बिजली भी नहीं होती थी लेकिन हम लोग बैटरी लाकर देखते थे। और पता नहीं ये तीनों मैच हमने कैसे देख लिया था, लेकिन धोनी की उन तीनों मैच में हमने बैटिंग देखी थी। पहले मैच में रन आउट हो गए थे, नया खिलाड़ी था, हम लोगों को बहुत उम्मीद था। उससे पहले के मैच में शतक लगाकर आए थे जो भारत सीनियर के लिए खेल रहे थे, लेकिन शून्य पर आउट हो गए। उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने जो बैटिंग की,
ज्यादा गेंदे नहीं खेले, लेकिन सिर्फ दो चौके उस पारी में उन्होंने लगाए थे। और उसके बाद ये बात हम पढ़ रहे थे कहीं पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि उस मैच को देखकर, उस बैटिंग को देखकर, मात्र दो चौके को देखकर सचिन तेंदुलकर ने सौरव गांगुली, चूंकि उस समय कप्तान थे, तो उन्होंने सौरव गांगुली को जाकर कहा कि इस बल्लेबाज में जान है और ये मतलब हिट कर सकता है, इसकी मतलब कहा जा सकता है कि ये बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कर सकता है, और उन्होंने उनको मतलब किस तरह और अच्छे से यूज किया जा सकता है इस पर उन्होंने बात की। लेकिन अगला मैच अगर आप देखें तो सिर्फ दो गेंद खेलने को मिला था महेंद्र सिंह धोनी को, और उसमें पहली गेंद पर सिक्स लगाया था और दूसरी पर एक रन लिया था, उन्होंने 7 रन बनाया था। लेकिन उस सीरीज की अगर हम बात करें तो बहुत कहा जा सकता है बांग्लादेश पहली बार भारत को हराया था, जो सेकेंड ओडीआई हुआ था उसमें बांग्लादेश ने भारत को हराया था, और उस पूरे सीरीज में मोहम्मद कैफ ने बहुत शानदार पारी खेली थी। और अगर आप सेकेंड ओडीआई बांग्लादेश का देखें तो उसमें धोनी और मोहम्मद कैफ ही अंत में बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद वहां से निकले ऐसा लग रहा था कि धोनी जिस काम के लिए लाया गया है या जिस तरह की उम्मीद उनसे की जा रही थी वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसमें उनका कोई गलती, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, इसलिए कि 3 मैच जो दिया गया उनको उसमें बहुत कम गेंदे खेलने को उनको मिला। हालांकि भले एक पहले में 0 पे आउट हो गया, दूसरे में ज्यादा रन नहीं बना पाए, तीसरे में 7 पर नॉट आउट रहे। इसके बाद पाकिस्तान का मैच था जो बहुत ही कहा जा सकता है कि इंतजार था सभी लोगों को, बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान में वापसी हो रही थी भारतीय टीम की, यानी भारतीय क्रिकेट की, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के बाद पहली बार फिर मुकाबला खेला जा रहा था पाकिस्तान में। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बार फिर से धोनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अब वहां पर गए और पहले ही मैच में बहुत हाई स्कोरिंग मैच था वो, 300 से ज्यादा रन दोनों ही टीमों ने बनाए थे, लेकिन धोनी उस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो ऐसा लग रहा था कि धोनी अब साइड हो जाएंगे या एक दो मैच, क्योंकि उस समय ज्यादातर यही होता था कि अगर आप 2-3-4 मैचों में नहीं चल पा रहे तो आप समझिए कि साइड हो जाते हैं। लेकिन उस समय सौरव गांगुली जिस तरह उन्होंने मोहम्मद कैफ को खोजा, युवराज सिंह को ढूंढ कर लाए, हरभजन सिंह को मौका दिया, वीरेंद्र सहवाग, ये सब उनके कहे जा सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट हैं एक तरीके से, उन्होंने बनाया इन खिलाड़ियों को। उसी तरह धोनी को एक बड़ा फैसला किया उस समय लेकर, और भारत में निमिषा उस समय होता ये था कि बहुत कम लोग ये उम्मीद करते थे कि विकेट कीपर बल्लेबाज को वन डाउन भेजा जाएगा, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा, लेकिन सौरव गांगुली ने उनको तीसरे नंबर पर भेजा सेकेंड ओडीआई में, और 148 रनों की पारी खेली धोनी ने। और उसके बाद अगर आप सभी को याद होगा कि फिर से धोनी रुकने वाले नहीं थे उस पूरे श्रृंखला में, हालांकि उसके बाद फिर बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन बहुत अच्छी पारी उसके बाद भी एक दो मैचों में उन्होंने खेली। भारत अंततः बहुत ही रोमांचक सीरीज रहा था पाकिस्तान में, पहला मैच जीतने के बाद अगले दोनों मैच हार गई थी, फिर अंत के दोनों मैच भारत ने जीते थे और 3-2 से भारत ने वो सीरीज जीता था। लेकिन उसके बाद कहा जा सकता है कि धोनी फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, लगातार आगे बढ़ते रहे और लगातार अच्छी पारी खेलते रहे। जी अगर हम आपने जैसे बताया वो बिल्कुल यू नो एकदम रुकने के लिए रेडी नहीं थे, वो छक्के पे छक्के यू नो काफी उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने जो कि एक यू नो क्रिकेट की हिस्ट्री में दर्ज हो चुके हैं। तो ऐसे कई है आपको क्विक याद हो कि यू नो मैक्सिमम सिक्सेस, मैक्सिमम स्टम्पिंग्स उन्होंने ली है, एंड ऐसे क्विक आप बताइए ऐसे कोई रिकॉर्ड्स जो उन्होंने बनाए हैं। देखिए 148 रनों की पारी खेलने के बाद जो धोनी थे उनका जो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर था 183 रनों का था, जो श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे, और मुथैया मुरलीधरन उस समय बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज रहे और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन मुथैया मुरलीधरन को भी उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से आगे बढ़कर खेला और आगे बढ़ बढ़ के उन्होंने जो छक्के लगाए उसको देखते हुए उनके करियर में एक तरीके से बहुत ज्यादा उछाल लाया उस पारी ने। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार सुरेश रैना के साथ हो, युवराज सिंह के साथ हो, मोहम्मद कैफ के साथ भी, क्योंकि मध्य क्रम में यही बल्लेबाज थे, युवराज सिंह थे, सुरेश रैना थे, कैफ थे और एक दो और खिलाड़ी थे जिनके साथ इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी साझेदारी की। और आपने देखा होगा कि इनके शतक बहुत कम है, मात्र 10 इनके 10 शतक है और बाकी अर्धशतक इन्होंने बहुत ज्यादा लगाए हैं, 73 अर्धशतक है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि बहुत बाद में बल्लेबाजी करने के लिए बाद में आने लगे, लेकिन
शतक पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो टीम को जिताने के लिए बहुत अच्छी साझेदारी करते थे। और युवराज सिंह के साथ हो या सुरेश रैना के साथ हो, इन्होंने लगातार इस तरह के काम किए हैं। जी, तो जैसे हसनैन ने बताया काफी ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज किए हैं। जैसे मैं भी आपको कुछ बता सकती हूँ जो मैंने पता मतलब यू नो मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से निकाले हैं, जो कि है 3 आईसीसी ट्रॉफीज इनको मिली है एज अ कैप्टन, जो कि बहुत बड़ी बात है। चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, मोस्ट सिक्सेस भी इनको कहा जाता है कि 213 सिक्सेस के आसपास उन्होंने करे हैं, 100 स्टंपिंग ली है। सो ओवरऑल अगर धोनी की जर्नी बताई जाए तो इट्स बल्लेबाज है। इसके अलावा मार्क बाउचर का भी नाम लिया जाता जो जो साउथ अफ्रीका के थे। लेकिन धोनी ने बैटिंग हो, इसके अलावा विकेट कीपिंग हो, कप्तानी हो, सभी में अपने आप को प्रूफ किया है। और आपको याद होगा कि जब धोनी 2004-05-06 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद 2007 आते आते आपने देखा होगा कि बहुत उथल पुथल मच गई पूरी टीम में। सौरव गांगुली का फॉर्म खराब हो गया, ग्रेग चौपल की कोचिंग चल रही थी उसमें बहुत कुछ इधर उधर हो रहा था, राहुल द्रविड़ को कप्तान बना गया था। हालांकि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार बहुत मैचेस जीते और बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप में अचानक से टीम बांग्लादेश से हार गई, उसके बाद श्रीलंका से हार गई, कनाडा से जीत के किसी तरह अपना सम्मान बचा पाई थी और बाहर हो गई थी। उसके बाद भारतीय टीम में एक गैप आ गया, क्योंकि सौरव गांगुली ने जो टीम बनाई थी उसको देखते हुए अब ये कहा जा सकता था कि अब टीम उतनी अच्छी नहीं रही, अब इसकी पूर्ति कैसे की जाए। तो अचानक से एक फैसला लिया गया जो T20 वर्ल्ड कप का है, उसकी महेंद्र सिंह धोनी युवा टीम जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए और उसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी उस समय तक जम चुके थे टीम में और उसके बाद उनको कप्तान बनाया गया। और आप सभी के सामने रिजल्ट है कि भारत ने पहले ही T20 वर्ल्ड कप में अपने नाम किया। और साथ ही अगर आप देखें तो उसमें जो कुछ फैसले थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ बॉल आउट का जो मुकाबला था उसमें जिनको भी उन्होंने बॉल आउट करने के लिए दिया उन्होंने किया। उसके बाद फाइनल में जोगिंद्र शर्मा को गेंद देकर मिसबाउल हक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और ये देखकर मतलब अंदाजा नहीं लगा सकता था, जोगिंद्र शर्मा उतने अच्छे गेंदबाज भी नहीं थे, उतना आत्मविश्वास कोई दूसरा कप्तान होता तो कर भी नहीं पाता। लेकिन धोनी यही चाल थी, जो धोनी ने जो भी चाल चला है क्रिकेट के मैदान पर वो अभी तक सफल साबित हुआ है। लगभग अगर आप उनके करियर को देखें तो उस दिन भी वही हुआ और भारत को वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया। और यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जब शुरू में जब पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी खेली उसके बाद उनकी बैटिंग बहुत आक्रामक होती थी और नंबर 3 पर या उसके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कप्तान बने 2007 में उनकी बैटिंग धीमा होती चली गई और एक जिम्मेदारी आने के बाद जो होती है बहुत अपने आप को नीचे उतारने लगे, नंबर 5-6-7 पर बैटिंग करने लगे और दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया। तो इतना मतलब टीम को बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए जिस तरह उन्होंने काम किए वो वाकई काबिले तारीफ कही जाएगी। जी, दैट्स व्हाई उनको बोला जाता है द कैप्टन कूल, जो कि कहा जाता है काफी काम रहते हैं ऑन द फील्ड आल्सो, लेकिन वो जब छक्के लगाते हैं तो यू नो सबकी दिल की धड़कने तेज हो जाती है, अब तो भाई गेम तो हम ही जीतेंगे। और अब धोनी के बारे में इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने ये कहा जब उनको कप्तानी दी गई तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो ज्यादा उम्र के जो खिलाड़ी हैं उनको अब नहीं खिलाएंगे या मौका उतना नहीं देंगे, युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे। और ये काफी सफल भी साबित हुआ उनके नजरिए से देखे। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे खिलाड़ी थे जो एक तरीके से धोनी ग्रुप और बाकी के खिलाड़ियों के ग्रुप में बंट गए थे उसमें। हालांकि ये बहुत ज्यादा चर्चा इसके बाहर आई नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाना ये एक बहुत बड़ा फैसला था। रोहित शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, जब उनका ओपनिंग हुआ था तो मिडिल ऑर्डर में आते थे और बहुत अच्छी कई अर्धशतक की पारी खेली लगातार, सचिन तेंदुलकर कहा जाता था उनको दूसरा। लेकिन उसके बाद अगर उनका आउट ऑफ फॉर्म होना जारी रहा और उसके बाद अचानक से उनको ओपनिंग करा दिया रोहित शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी ने, और फिर रोहित शर्मा उसके बाद आपने देखा कि कहा जा सकता है कि 3 दोहरा शतक ओडीआई में लगा चुके हैं। अपने आप में तो खिलाड़ियों को कैसे पहचानना है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है, किन खिलाड़ियों को मौका देना है, ये सौरव गांगुली ने पहले देखा और उसके बाद अगर किसी ने उसको कैच किया
या उसको बहुत अच्छे से लागू किया तो महेंद्र सिंह धोनी है। जी एग्जैक्टली। तो धोनी एक ऐसे कप्तान थे जो कैप्टन कूल भी कहा जाते थे। तो अब बात करते हैं उनके बायोपिक की। धोनी के बायोपिक की थी लीड सुशांत सिंह राजपूत ने, जो कि अब नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हो गया, ही पास्ड अवे ऑन 14th June। तो अब अगर बात करते हैं धोनी से, क्या आपको लगता है कि धोनी का जो किरदार है वो सुशांत से अच्छा कोई और निभा सकता था? देखिए इसमें दो बातें हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी खुद एक छोटे से शहर से हैं, झारखंड के रांची से, और इसके अलावा अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो वे भी पटना से, हालांकि उन्होंने अपनी स्कूलिंग हो या जो बाकी के कॉलेज है वो बाहर किया है, लेकिन जो एक छोटे शहर के लड़के होते हैं या जो चाहे कहीं से भी किसी भी फील्ड में आ रहा हो, वो एक तरीके से, जैसा कि हरभजन सिंह ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि जब धोनी आए थे मैदान में, जब क्रिकेट में आए थे, तो बहुत कम बात करते थे, बहुत शर्मीले थे, बहुत दोस्त कम बनते थे। कुछ इसी तरह का अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, तो कुछ इसी तरह के काम उनके साथ भी था, उनके साथ भी यही होता था, उनके भी दोस्त कम थे, शर्मीले थे और छोटे से राज्य का, तो उस चीज को, उस जो मनोभाव है उसको बहुत अच्छी तरह से कैच कर सकते थे सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि झारखंड और पटना में कोई, रांची और पटना में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, और दोनों की जो परिस्थिति है लगभग एक जैसी थी, और इस वजह से अगर आप देखें तो उसको बहुत अच्छे से कैच किया जा सकता था। और जो डायरेक्टर थे यही सोच के उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उस मूवी में लिया, और मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उस मूवी में धोनी को एक तरीके से रियल लाइफ में तो हीरो है ही, रियल लाइफ पर भी एक तरीके से अमर कर दिया। जी बिल्कुल, एंड इनमें काफी सिमिलैरिटीज भी लगी मेरे को, इन लोग का फेस स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा सेम लगता है, दे बोथ आर लुक लाइक ऑफ ईच अदर, एंड दोनों ही जी हाँ पटना, सेम बैकग्राउंड है दोनों का। सुशांत ऑल्सो लव्ड क्रिकेट, उनकी एक्चुअली जो फर्स्ट फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी काय पोचे, उसमें भी वो क्रिकेट लवर का रोल निभा रहे थे, एंड दोनों ही कॉलेज ड्रॉपआउट्स भी हैं जहां तक मैंने पढ़ा है, दे बोथ आर, एंड उनका पैशन उनको, यू नो, दे रेज द बार और द स्टैंडर्ड्स एज दे से विद देयर टैलेंट्स। सो सुशांत और महेंद्र सिंह धोनी में काफी सिमिलैरिटीज भी हैं। दोनों का जो बचपन है वो एक तरीके से जो पैशन था उनका, जो बचपन में करना चाहते थे उनको छोड़ के, जैसे सुशांत से करना चाहते थे क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाद में एक्टर बन गए, धोनी की बात करें तो फुटबॉलर बनना चाहते थे, बाद में क्रिकेटर बन गए, तो बहुत सारी चीजें है इसको देख के सुशांत को कास्ट किया गया था और बहुत अच्छा एक तरीके से प्ले किया, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, किरण मोरे से उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, महेंद्र सिंह धोनी से बहुत सारे बात उन्होंने किए, तो ये बहुत अच्छा कैरेक्टर एक तरीके से धोनी का उन्होंने प्ले करने का काम किया। जी अगर हम लोग क्विकली एक रिएक्शन की बात करें, जैसे आपने ट्वीट पढ़ा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? जैसे मैं भी थोड़ा बहुत शॉक में आ गई थी, बट देन लेटर रियलाइज की चलो ये तो होना ही था, कभी ना कभी तो यू नो ही हैड टू डू दिस। तो आपका क्या रिएक्शन था, एक फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस? देखिए हम उम्मीद ये कर रहे थे कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, तो भले इतने दिनों से क्रिकेट से दूर थे, अंतिम मैच जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप में 2019 में, और उसमें भी रनआउट हुए थे, ये भी एक तरीके से दुर्भाग्य है, और धोनी ने कुछ दिन पहले ही उसके एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन हम अपनी टीम के साथ ही किसी भी खिलाड़ी से दौड़ने में पीछे रह गए उस दिन हम क्रिकेट छोड़ देंगे, और दुर्भाग्य देखिए कि उस दिन रनआउट हो गए, और उसका मुझे लगता है कि बहुत अफसोस रहा होगा महेंद्र सिंह धोनी को, पहले मैच और अंतिम मैच दोनों में रनआउट हुए, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक उम्मीद ये थी कि 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें धोनी जरूर खेलेंगे, भले अभी नहीं खेल रहे हैं, और धोनी भी शायद यही सोच रहे थे, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया 2021 में चला गया, उसके बाद इंतजार करना और ज्यादा मुश्किल हो गया मुझे लगता है, और इसीलिए उन्होंने यह फैसला लिया, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी भरपाई है जो अभी बहुत हाल फिलहाल में ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें की जा रही है कि धोनी की पूर्ति कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी धोनी की खोज हमें अभी करने में बहुत समय लगेगा, और धोनी जैसा ही फिनिशर और धोनी जैसा ही विकेट कीपर बल्लेबाज की हमें बहुत जरूरत है, लेकिन अब देखना है कि यह कब पूरा होगा, लेकिन एक दुख तो है कि मतलब अंतिम बार एक बार क्रिकेट मैदान पर खेलते हुए उनको जाते हुए देखते, क्योंकि सभी महान खिलाड़ियों के साथ लगभग यही हुआ है, चाहे सौरव गांगुली की बात करें, राहुल द्रविड़ को तो किसी तरह दे दिया गया था एक मैच,
लेकिन बाकी वीवीएस लक्ष्मण को देख ले, कुंबले को देख ले, तो बहुत सारे ऐसे, कुंबले ने हालांकि पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, धोनी को देख ले, ये लोग मैदान से बाहर रहकर, इसका सबसे ज्यादा दुख होता है कि मैदान से बाहर रहकर ये लोग संन्यास लेते हैं, इनको एक मौका फेयरवेल के लिए जरूर देना चाहिए। जी हाँ, हमने आज डिस्कस किया अबाउट महेंद्र सिंह धोनी इज अनबिलीवेबल एंड अ वेरी वेरी यू नो इंस्पायरिंग स्टोरी. हमने उनकी की हाइलाइट्स पे बात की, की स्टैट्स पे बात की और उनकी बायोपिक पे बात की. एंड वी ऑल विल सर्च, बहुत ही बैडली सर्च होगी अब महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान, महेंद्र सिंह धोनी जैसा विकेट कीपर बैट्समैन मिलना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यू नो टाइम जरूर लगेगा क्योंकि उनको बीट करने के लिए यू नो बहुत ही ज्यादा टैलेंट चाहिए एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन चाहिए. सो आप थैंक यू हसनैन, आपने हमें काफी ज्यादा जानकारी दी अबाउट महेंद्र सिंह धोनी लाइफ एंड करियर. सो तब तक के लिए मैं हूं निमिषा, आप जुड़े रहिए, न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. हम लोग फिर आएंगे नए पैनल गेस्ट के साथ. तब तक के लिए मैं हूं निमिषा.